Hey guys, welcome to my channel. This is Chetna Singh. I'm back with my another video. और आज के वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं ग्लव फैक्ट्री के प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ. Yes, मैं बिल्कुल ग्लव फैक्ट्री के प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ जो मैंने परचेज़ किए हैं अभी. एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है वो मैंने 11th और जुलाई को प्लेस किए थे और आज 24th जुलाई है और मुझे रिसीव हो गए हैं. और सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं जो मैंने ऑर्डर किए थे एग्जैक्ट वैसे ही हैं. तो मैं इस वीडियो को लेके बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे जो प्रोडक्ट मिले हैं वो एक्चुअल प्रोडक्ट मिले हैं और उनकी क्वालिटी, प्राइस, एवरीथिंग बहुत बहुत अच्छे हैं. सो मैं सुपर सुपर एक्साइटेड हूँ. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मेरे प्रोडक्ट की ओर चलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ माई वीडियो. सो गाइस, सबसे पहला जो मेरा प्रोडक्ट है वो ये कॉइन बॉक्स प्रोडक्ट है. इसका प्राइस जो है वो मैंने इसको 98 रुपीज़ में परचेस किया था. ये इस टाइप का बॉक्स है. आपने पहले भी देखे होंगे क्लब फैक्ट्री पे इससे छोटे लाइक स्क्वायर कलर स्क्वायर साइज के जो बॉक्स हैं वो क्लब फैक्ट्री पर अवेलेबल है. पर मैंने इस टाइम थोड़ा इसका लेंथ और विड्थ थोड़ा बड़ा देख के परचेस किया था. बट ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है. जो पहले वाला बॉक्स आपने देखा होगा क्लब फैक्ट्री पे कुछ वैसा ही है. मैंने इसके अंदर अपना आईफोन का चार्जर और ये ईयरप्लग रख दिए हैं तो काफ़ी अच्छे से ये इसके अंदर फिट हो रहे हैं. तो इसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है. प्राइस 98 रुपीज़ है. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा. वर्थ टू परचेज है ये प्रोडक्ट. सो आई लव दिस प्रोडक्ट. नेक्स्ट मेरा प्रोडक्ट है गाइस, इनकी जो पैकेजिंग आती है वो इस येलो कलर के पैकेट के अंदर आती है जिसके अंदर जो है वो थोड़ा बबल सपोर्ट होता है. और मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो ईयरिंग है. इसके अंदर अगेन इस टाइप की पॉलीथीन में ये पैक जाते हैं. उसके बाद इनकी खुद की ईयरिंग की पॉलीथीन होती है. जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ईयरिंग है और ये बहुत क्यूट ईयरिंग है. इनकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है. मैं आपको दिखा रही हूँ. देखो, मैं आपको इनको पहन के भी दिखाऊंगी. इसका प्राइस जो है 122 रुपीज़ है. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. ये पहनने के बाद बहुत अच्छे दिखते हैं. इनका कलर थोड़ा लाइट ग्रीन कलर है. आप इनको जीन्स टॉप के साथ में या सलवार सूट के साथ में पहन सकते हो अगर आपके पास नहीं इस टाइप की कोई कुर्ती हो तो. मैं पहन के दिखाऊंगी ये आपको कैसे दिखते हैं. ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा. और नेक्स्ट जो है वो ये चोकर है. मेरे को काफ़ी टाइम से चाहिए था, फाइनली मुझे मिल गया है. इसका प्राइस जो है वो 54 रुपीज़ है. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. मैं भी इस प्रोडक्ट को आपको पहन के दिखाऊंगी, आपको पता चल जाएगा ये कैसा है. ये बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. नेक्स्ट जो है वो ये डायमंड एंड ब्लू स्टोन ईयरिंग्स हैं. ये कुछ बाली डिज़ाइन में हैं. ये पहनने के बाद बहुत अच्छे दिखते हैं गाइस, बहुत बहुत. एक्चुअली मैंने जो भी प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं पहले उनके रिव्यू देखे हैं. आपको पता है ना कि क्लब फैक्ट्री पर जो प्रोडक्ट हम देखते हैं उसके नीचे रिव्यू आते हैं. तो मैंने लोगों के रिव्यू देखे, उनकी पिक्चर्स देखी. कुछ लोगों के रिव्यू अच्छे थे, कुछ के बुरे थे. तो मैंने रिव्यू देख के सारी चीज़ परचेज़ करी है. तो मुझे सारी चीज़ जैसी मैंने एक्चुअल में ऐप के अंदर देखी थी वैसी ही मुझे मिली है. तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी जब क्लब फैक्ट्री से कुछ परचेज़ करें तो आप रिव्यू देखें और देन प्रोडक्ट को जो है कार्ट में ऐड करें. तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका प्राइस जो है वो 108 यानी 108 रुपीज़ है. और मैं आपको इसको पहन के दिखाऊंगी ये कैसे दिखते हैं. नेक्स्ट जो है वो ये रिंग है. ये ब्लैक स्टोन है या पता नहीं पर्ल है, आई थिंक ये पर्ल ही है. ब्लैक पर्ल की ये इयरिंग है. नीचे जो इसका बेस है वो ब्रॉन्ज है. ये मुझे इजीली फिट हो रही है. एक्चुअली ये जो रिंग है वो एडजस्टेबल है तो आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो ऐसे और अपनी उंगली के साइज़ में इसको पहन सकते हो. तो ये रिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इसका जो प्राइस है वो 75 रुपीज़ है. तो मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैंने ऐसी सेम रिंग लोकल मार्केट में देखी थी. उसका प्राइस मुझे 250 के अराउंड मिला था. तो उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत अच्छा है. तो मुझे ये रिंग बहुत अच्छी लगी गाइस. नेक्स्ट जो है वो ये ब्रेसलेट है. इसका प्राइस जो है गाइस, इसका प्राइस है 134 रुपीज़. इसमें तीन कलर अवेलेबल हैं, सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज. मैंने इसे गोल्ड में परचेस किया है. ये इस टाइप से ओपन होता है. ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक देता है. मेरे को काफ़ी टाइम से एक ब्रेसलेट की ज़रूरत थी तो मैंने इसको परचेस किया. ये बहुत अच्छा लुक देता है. देखो पहनने के बाद में कितना सुंदर दिख रहा है. और 130 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है. इसके जो स्टोन है, सॉरी डायमंड है, वो काफ़ी शाइनिंग डायमंड है और इसकी लुकिंग बहुत अच्छी है. तो 134 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. क्वालिटी अगेन गुड.
सो आई लव दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो ईयर क्लिप है। एक्चुअली ये सिंगल ईयर क्लिप है मेरे पास में, मैंने इसको 64 रुपीज़ में परचेज़ किया है। मुझे इसको लेके थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि जब मैंने इसको ऐप के अंदर देखा तो ये 3 टाइप में था, तो रैंडमली ये पिक करके हमको रिसीव करवाते हैं। तो इसमें क्या था कि स्टोन में था और ये पर्ल में था, तो मुझे लाइक स्टोन में चाहिए था बट ये मुझे पर्ल में रिसीव हुआ है। बट इट्स ओके, ये पहनने के बाद बहुत बहुत सुंदर दिखता है। तो या इट्स नाइस और प्राइस अगेन 64 रुपीज़, तो आई लव दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो है मेरा प्रोडक्ट वो इयररिंग सेट है। इसमें मुझे 6 इयररिंग का सेट मिला है और इसका प्राइस जो है वो 111 रुपीज़ है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम मार्केट से अगर ये सिंगल पेयर इयररिंग भी परचेस करते हैं तो उसका प्राइस 22 रुपीज़ और 25 रुपीज़ के आसपास में हमें मिलता है। तो ये 111 के अंदर मुझे 6 पेयर मिले हैं इयररिंग्स के और मैं इनको अपने डेली वेयर में पहनने वाली हूँ। और इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है और जैसे पिक्चर में दिखाए थे एक्चुअल वैसा ही प्रोडक्ट है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। सो ऑल इट्स नाइस। नेक्स्ट जो है वो मैंने आईब्रो पेंसिल मंगवाई थी। इसका प्राइस जो है 125 रुपीज़ है। ये मुझे ब्राउन कलर के अंदर रिसीव हुई है। इसके एक साइड में ब्रश आता है जिससे आप अपनी आईब्रो को एडजस्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो सॉरी। और इस टाइप का इसका ये नेक साइड में ये पेंसिल आती है जिससे आप आईब्रो कलर कर सकते हो, लाइक अप्लाई कर सकते हो। तो इस पेंसिल की जो क्वालिटी है, पैकेजिंग है, वो बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत लोकल मार्केट से चीप टाइप का नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी लगी मुझे ये पेंसिल। सो या इट्स नाइस। नेक्स्ट जो है वो ये वॉच है। एक्चुअली मेरे पास में डीके की वॉच है, मैं मोस्ट ऑफ वही वॉच पहनती हूँ। लेकिन मुझे जब मैंने इस वॉच को क्लब फैक्ट्री पर देखा था तो इसके बहुत अच्छे रिव्यू थे और दिखने में बहुत सुंदर दिख रही थी और प्राइस इसका जो था वो 234 रुपीज़ था। इसलिए मैंने इस वॉच को परचेज़ किया है क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी वॉच है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मुझे थोड़ी लूज़ है अभी, लेकिन मैं इसको यू नो मार्केट से इसको थोड़ा एडजस्ट करवा लूँगी। तो गाइज आप देख सकते हो ये कितनी सुंदर दिख रही है मेरे हैंड पे। तो मेरे को ऐसी लोकल वॉच ट्राई करनी थी कि रिव्यू अच्छे हैं तो ट्राई करने में क्या जाता है, तो मैंने इसको परचेज़ किया। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। इसके अंदर आपको क्लब फैक्ट्री पर 3 कलर अवेलेबल होंगे, सिल्वर, गोल्ड और एक पता नहीं ब्रॉन्ज टाइप का कुछ था, रोज गोल्ड था। तो आपको मिल जाएगा 3 कलर इसके अंदर। मैंने इसमें सिल्वर परचेज़ किया है। तो या इट्स नाइस। नेक्स्ट जो है मैंने ये परचेज़ किया है क्लब फैक्ट्री से। ये बहुत कॉमन है, सभी लोग परचेस करते हैं। ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है बट अमेज़ॉन पे इसका प्राइस कुछ ज़्यादा है। ये मैंने इसको 84 रुपीज़ में परचेज़ किया। ये कुछ इस टाइप का है, इसके साथ में ये जिप भी आती है। ये बेसिकली मैंने अपने इयररिंग्स रखने के लिए इसको परचेज़ किया है और कोई मोटो नहीं है इसके पीछे। मोस्ट ऑफ मुझे इयररिंग्स रखने होते हैं तो इसलिए ख़रीदा है इसको मैंने। और इसके साथ में ये इस टाइप से आता है जिसको आप किसी पे भी हैंग कर सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रिंट बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत अच्छा है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। तो गाइस ये थे मेरे क्लब फैक्ट्री के प्रोडक्ट। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें जो क्लब फैक्ट्री से प्रोडक्ट मिला है अच्छा नहीं मिला है, डैमेज मिला है या जैसा दिखने में है वैसा नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप क्लब फैक्ट्री से कुछ परचेस करें तो आप रिव्यू देखकर ही परचेस करें। अगर उस प्रोडक्ट के बारे में किसी ने रिव्यू नहीं लिख रखे हैं तो आप उस प्रोडक्ट को परचेस ना ही करें, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिखता है लेकिन हमको गलत रिसीव हो जाता है, फिर हमें दुख होता है कि इंटरनेशनल साइट पर मतलब ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आप रिव्यू देखकर प्रोडक्ट परचेस करोगे तो ऑब्वियसली आपको एक्चुअल प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो बेटर है कि आप रिव्यू देख के परचेस करें। और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी कि क्लब फैक्ट्री की जो ज्वेलरी है वो हमेशा अच्छी ही मिलती है, बट जैसे कि क्लोथ हो गए, मे बी समटाइम वो अच्छे मिल जाते हैं और मे बी वो समटाइम अच्छे नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी क्लोथ में आप नहीं जाएँ। और फुटवेयर मैंने अभी तक परचेस नहीं किए हैं तो फुटवेयर के बारे में मैं आपको आइडिया नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ज्वेलरी जो है इसकी बहुत अच्छी आती है। और कोई भी आप चीज़ जो है क्लब फैक्ट्री से आप परचेस करो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रिव्यू देखकर ही लें। और आजकल तो उसमें नीचे इमेजेस भी आती है, जो भी कस्टमर परचेस करते हैं वो नीचे अपनी इमेजेस भी मतलब अपलोड कर देते हैं कि उन्होंने कैसा प्रोडक्ट
खरीदा है और उन्हें कैसा रिसीव हुआ है, तो इमेजेस देख के, रिव्यू देख कर ही आप प्रोडक्ट लें। तो ये मेरा था आपके लिए छोटा सा सजेशन, और ये थे मेरे प्रोडक्ट का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।